You're watching Cooksmart with Sanjeev Kapoor. और अब संजीव कपूर के साथ में कुछ थाई फ्लेवर्स देखिए. और जो थाई फ्लेवर हैं इसके लिए शुरुआत करते हैं लेमन ग्रास से. लेमन ग्रास लेकर इसको हम स्लाइस कर लेते हैं. इसको डिश को हम बनाना लीफ के अंदर रख के पकाएंगे. ये ले लिया लेमन ग्रास और उसके साथ साथ मुझे चाहिए स्प्रिंग अनियन, हरा वाला प्याज. ये लेकर इसको भी स्लाइस. ये पहले ले लेते हैं इसके अंदर, ये बोल के अंदर. और ये मेरे पास हैं बेजल लीव्स. तो ये बेजल लीव्स और बेजल लीव्स को जरा रफली काट लिया. बेजल लीव्स ये हो गई तैयार. बेजल लीव्स भी इस बोल के अंदर. ये मेरे पास है रेड करी पेस्ट. ये रेड करी पेस्ट, थाई रेड करी पेस्ट, बाजार में बनी बनाई मिलती है, वो ले लें. और उसके साथ साथ इसमें ग्रेटेड जिंजर, फ्रेश ग्रेटेड जिंजर, ये इसके अंदर. और ये मेरे पास है फिश सॉस. ये लीजिए फिश सॉस. और इसमें डालिए शुगर, ब्राउन शुगर, सॉफ्ट ब्राउन शुगर. ये खट्टा टेस्ट टैमरिंड का. और ये लीजिए इमली का पल्प. ये आ गया, ये हो गया. लाल मिर्च भी इसके अंदर. ये खुशबू इसके अंदर बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी खट्टी मीठी तीखी खुशबू. और ये बहुत ही बढ़िया स्वाद. और ये स्वाद अब जाएगा एक रेसिपी जो बनेगी, जिसमें अब हमने क्या करना है, इसको जरा ये तैयार कर लिया ना, इसको ऐसे ही थोड़ा सा होने देते हैं. पैन में थोड़ा सा तेल भी चाहिए. फिश के बड़े बड़े पीसेस ये लीजिए. जरा फिश पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नमक. बाकी सारी चीजें इसके अंदर हैं. अब देखते हैं क्या करना है हमें. ये हमारे पास केले का पत्ता और दूसरा पत्ता. और हमें करना ये है कि जरा सा तेल इस पे. और ये ले लिया फिश का पीस. और उसके बाद ये लीजिए, ये जो है फिश पे ये मसाला जो हमने बनाया, ये इस पे. उसके बाद फिश का पीस इस तरह से. और एक बार फिर ये लीजिए. अब ये जो मसाला है ना, ये फिश में बढ़िया से हमने लगा दिया. और इसके बाद ये फिश लिया, फिश लिया, फिश का ये ले लिया और इसको कर दिया रैप. ये देखिए पूरी तरह से रैप. और फिर ये पैन इस पे रख दिया इसको. और इसको पकने देते हैं. तो ये जो फिश है ये पकेगी केले के पत्ते के अंदर. और इसको अभी हम तेज आंच पे पकाएंगे, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट हीट भी लगेगी नीचे से पैन से. और इसमें जो तेल है, अंदर भी थोड़ा तेल डाला हुआ है, बाहर भी तेल है. केले का पत्ता हल्का हल्का सा जलना शुरू हो जाएगा, अपनी स्टीम के अंदर ये पकेगा. ढक्कन निकाल के इसको पलट देंगे. ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, लेकिन फ़िश पूरी तरह से पकनी चाहिए. हमने फ़िश को एक तरह से सैंडविच किया है, वो इसलिए ताकि फ़िश नाइस एंड मॉइस्ट रहे. फ़िश के अंदर वो जो हमने सारा मसाला बनाया है, थाई जो स्पाइस सारे उसके अंदर डाले हैं, वो फ़िश के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो. बस इसी तरह से फिर इसको आपने सर्व करना है. थाई खाना जो है उसका स्वाद उसके फ्लेवर्स में. और थाई खाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें जो बैलेंस ऑफ टेस्ट है वो बड़ा कमाल का होता है. कि उसके अंदर जो खट्टा टेस्ट है,
वो भी बहुत ज़रूरी, उसमें जो तीखा टेस्ट है वो भी बहुत ज़रूरी, उसके साथ में मिठास जो है वो भी बहुत ज़रूरी। तो ये जो बैलेंस है ये अगर एक बार समझ आ जाए तो थाई खाना बड़ा अच्छा बनता है। अब जो इसमें से खुशबू आ रही है ना, उससे पता चल रहा है कि फिश जो है वो पक चुकी है। अब ये कैसे पता चलता है कि खुशबू ऐसी आ रही है कि पक चुकी है? अब देखिए, कच्ची चीज़ें और पकी हुई चीज़ें बड़ा फ़र्क होता है। अब आप बेसन भुनिए, मैदा भुनिए, रोटी कच्ची हो, गोभी कच्ची हो, ये खुशबू अलग होती है, स्मेल अलग होती है। अब ये जो है ये पकी हुई खुशबू आ रही है यहाँ से, तो एक काम करते हैं इसको परोसने के लिए ये ले लेते हैं, और फिर इसको परोसना आपने ऐसे ही है, मतलब इसको परोसने के लिए और कुछ नहीं करना, परोसने के लिए सिर्फ इस तरह से आपने इसे सर्व करना है। अब खोलने के लिए आप पूरा इसको खोल सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो फिश है इसे आप इस तरह से, और उसके बाद बिल्कुल इंतजार नहीं, क्योंकि फिश पक चुकी है पूरी तरह से मसाले के साथ, गर्मा गर्म मजा लीजिए इसका।